Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CA Sansaar, and this is CA Satuti Mahajan. So aaj ke session mein hum discuss karne ja rahe hain how to pay zero tax on a rental income of rupees 10 lakhs. Let's see. अगर आपकी इनकम जो है वो सिर्फ रेंटल इनकम है, आपको सिर्फ रेंट से ही इनकम आ रही है, तो किस तरह से अगर 10 लाख तक की भी इनकम आप रिसीव कर रही हैं और उसके ऊपर भी आपको जीरो टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी, तो उसको अभी हम चेक करते हैं। और बहुत सारी क्वेरीज भी इसके लिए हमारे पास आई हुई है, तो जिन जिन लोगों की ये क्वेरीज है तो इस सेशन के बाद उनकी जो क्वेरीज है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इफ एन इंडिविजुअल हैज ओनली रेंटल इनकम एंड नो अदर इनकम एंड डिडक्शन then they can receive a rental income up to rupees 10 lakh without triggering any tax liability. And let's see how this is possible. 10 lakh तक की आपने रेंट से इनकम ले ली और आप चाहते हो कि उसके ऊपर जीरो टैक्स लाइबिलिटी बने, तो ये किस तरह से पॉसिबल है इसको हम चेक करते हैं। रेंट के ऊपर आपको पता है कि रेंटल इनकम आपके ऊपर जो भी आती है, आपके पास आती है, उसके ऊपर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की आप क्लेम कर सकते हैं। तो डेट मीन्स 100 रुपीज अगर आप रेंट से लेते हो, रेंटल इनकम है, 30% आपने उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ली, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इनकम टैक्सेबल इनकम कितनी बच जाती है 70%। तो वही है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल बेयरिंग डिडक्शन स्पेसिफाइड रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स एंड दीज एक्सपेंसिस इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स पेड ऑन द सेड हाउस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। तो जो भी उसके ऊपर हमने एक्सपेंसिस पे किए हैं and the tax regime also allows a standard deduction of 30% of the net annual value towards the repairs and maintenance of the said property. आपको पता है कि रेंट से जो भी इनकम आती है, अब जब आपने रेंट के ऊपर अपने प्रॉपर्टी दी है, उसके ऊपर रिपेयर्स एंड एक्सपेंडिचर का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा, तो उसके लिए इनकम टैक्स जो है लॉ आपको कितने की डिडक्शन देते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको मिलती है। So if we take into consideration a 30% standard deduction in the case the landlord receives a total of rupees 10 lakh as rent. अगर उसने एक साल के अंदर 10 लाख का rent receive किया है और 30% उसकी standard deduction मिल गई, then the standard deduction amount comes to rupees 3 lakh. तो उसका standard deduction कितनी हो गई? 3 lakh. That means 10 lakh income में से 3 lakh उसका minus हो जाएगा, तो उसकी कितनी income taxable हो जाएगी? 7 lakh. And when this deduction for specific expenditure is subtracted from the 10 lakh collected as rent, it comes down to rupees 7 lakh, which is tax free. तो जो कि आपके पास tax free आ जाएगा for the taxpayers under the new tax regime. अगर आप नई tax regime को select कर लेते हैं, आपको पता है कि आपके पास income tax है तो old tax regime है और new tax regime है। अगर आपने नई tax regime को select कर लिया, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि 10 लाख में से 30% आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली, तो 3 लाख की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई, आपके पास 7 लाख की टैक्सेबल इनकम आ गई। अब 7 लाख तक का हम कह रहे हैं कि उस केस में आपका जो जीरो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम नई टैक्स रिजाइम को सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में अप टू रुपीज 3 लाख तक, 3 लाख तक जो आपका टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी है? जीरो। देयर इज अ जीरो टैक्स फॉर रुपीज 3 लाख स्लैब, देन फॉर द नेक्स्ट स्लैब, जो नेक्स्ट स्लैब कितनी है? 3-3 लाख की यहाँ पे स्लैब है जो नए टैक्स रिजाइम के अंदर, 3 लाख से लेके 6 लाख तक की जो रिजाइम है, जो स्लॉट बनती है, उसके ऊपर इंडिविजुअल को 5% इनकम टैक्स पे करना। तो 5% इनकम टैक्स आपका कितना आ गया? 15,000। अब रिमेनिंग जो 1 लाख की बात हम कर रहे हैं, जो 6 लाख से लेके 7 लाख तक है, उसके ऊपर उसको इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना है? 10%। 10% का मीनिंग आपका टैक्स कितना आ गया? 10,000। तो अभी हमने 15,000 प्लस 10,000, तो टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 25,000। तो अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो हम कितने तक के रिबेट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 87A? 25,000 तक की हम रिबेट ले सकते हैं। डेट मीन्स हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम आई रुपीज 7 लाख। 7 लाख के ऊपर हमने टैक्स लाइबिलिटी जो है कैलकुलेट की, वो हमारी है 25,000। 25,000 को नीचे हमने रिबेट ली 25,000 की, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई इस केस में? जीरो। तो इन दिस केस द लैंडलॉर्ड हुज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज रेंट विल हैव टू पे जीरो टैक्सेस ऑन द रेंटल इनकम। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज आल्सो
advisable to evaluate your options, comparing the tax saving in both the tax regime, and consider investing in tax saving instrument to further reduce your tax liability. तो इसके अंदर वही कह रहे हैं, जब भी आप इसको कैलकुलेट करो, ये तो हमने बता दिया कि अगर आपकी 10 लाख तक की रेंटल इनकम है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, तो इस तरह से न्यू टैक्स रिजाइम को अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हो, तो 7 लाख आ गए। 7 लाख के ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 25,000 की, जिसकी आपको रिबेट मिल जाएगी 25,000 की, तो आपकी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो जीरो आ जाएगी इस केस में। बट एनी हाउ, हमेशा के लिए जब भी आपको टैक्स लाइबिलिटी अपनी कैलकुलेट करनी है, आपको दोनों रिजाइम्स को कंपेयर करना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बैठ रही है और नई टैक्स रिजाइम के अंदर आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बैठ रही है। बेसिकली ओल्ड टैक्स रिजाइम उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, उनके पास डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, और न्यू टैक्स रिजाइम उनके लिए है जो कि टैक्स सेविंग सीधा सीधा न्यू रिजाइम उनके लिए जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजाइम जो है वो बेनिफिशियल है। एंड बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजीज यू कैन इफेक्टिवली अचीव सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग्स। तो दोनों का कंपैरिजन करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। जब भी आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें, सिर्फ रेंटल इनकम के लिए ही नहीं, अदरवाइज, क्योंकि हमारे पास तो जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम दोनों का ही कंपैरिजन करके उनको दे देते हैं। कई सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि नहीं, हमें ओल्ड रिजाइम के अंदर ही जाना है, तो इवन देन हम क्या करते हैं, उनका ओल्ड रिजाइम के अंदर टैक्स लाइबिलिटी उसकी निकालते हैं और कंपैरिजन भी उसका दे देते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपका ये, तो दोनों में जो बेनिफिशियल है उनका वही टैक्स रिजाइम आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोनों का कंपैरिजन दे देते हैं, और अगर आपका न्यू के अंदर आपको कम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करो और पुराने को छोड़ दो। भले ही आपने इन्वेस्टमेंट की हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी उसके अंदर, न्यू रिजाइम के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट आप अपने सेविंग्स करते रहो, ठीक है। तो जब भी आप चाहो, आप अपने जो भी कंसल्टेंट्स हैं, जिससे भी आप अपनी प्रोफेशनल गाइडेंस अपनी ले रहे हो, टैक्स कंसल्टेंट से ले रहे हो, उनसे हमेशा कंपैरिजन करवाओ, क्योंकि हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको कंपेयर करके बताते हैं कि ओल्ड रिजाइम के अंदर आपकी ये टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आपकी ये वाली टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, और दोनों में से जिससे जिसके अंदर भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम है, उसी को आपको ऑप्ट करके आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है, क्या अगर हमने 1 साल के अंदर ओल्ड रिजाइम को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या नेक्स्ट ईयर भी हमें ओल्ड ही करना है, या हमने न्यू कर लिया तो नेक्स्ट ईयर भी हमें न्यू करना है? तो ऐसा कहीं नहीं है। हर ईयर के अंदर आप अपने रिजाइम जो है वो चेंज कर सकते हो, और हर ईयर के अंदर आप अपनी ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम दोनों का कंपेरिजन कर सकते हो, जिसके अंदर बेनिफिशियल है। जहां पे भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बन रही है, उस रिजाइम को आप सिलेक्ट करते हुए अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो, और अगर नेक्स्ट ईयर में आपको दोबारा से अगेन अपने रिजाइम चेंज करनी है, तो आप आराम से अपने रिजाइम को चेंज कर सकते हो। टैक्स फ्री इनकम लिमिट अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। The new tax regime introduced in India provides individuals with the increased flexibility in optimizing their tax savings. One significant aspect of this regime is that salaried individuals with income up to rupees 7.5 lakh can claim deduction to enjoy the zero tax liability. तो इसके अंदर क्या है? अगर कोई salaried person है, ठीक है, तो 7.5 lakh उसकी salary आई, उसमें से 50,000 उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, दैट मींस अगेन कम टू रुपीस 7 लाख। तो जब उसकी 7 लाख आया, तो 7 लाख के ऊपर अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया कि न्यू रिजाइम के अंदर हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी 25,000, और आपको रिबेट कितने की मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अंडर सेक्शन 87A, 25,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी। दैट मीन्स सैलरीड पर्सन अगर 7.5 लाख तक की सैलरी ले रहे हैं, तो उस केस में उस पर जीरो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। 10.5 लाख में उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, और 7 लाख के ऊपर जो उसका टैक्स बना 25,000 का, वो 25,000 उसको रिबेट मिल गई, अगेन उसकी जीरो टैक्स लायबिलिटी उसकी बन गई। न्यू टैक्स रिजाइम बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी कहीं भी ATC की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, उनके पास कहीं कोई HRA नहीं है, उन्होंने कोई रेंट पे नहीं किया, कोई एग्जम्प्टेड अलाउंसेस नहीं है, तो उस केस में वो लोग प्रेफर करें न्यू रिजाइम के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपके पास बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, आपने लोन लिया हुआ है, HRA पे आपको मिल रहा है, और आप रेंट पे कर रही हो, और आपने ATC के डिडक्शंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस केस में प्रेफरेबली आपके लिए
ओल्ड रेजाइम ही बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन अगेन हम बार बार आपको ये कहते हैं आप अपना ओल्ड रेजाइम वर्सेस न्यू रेजाइम का हमेशा कंपैरिजन करके देखो, जिसके अंदर टैक्स लायबिलिटी कम है आप उसी को ऑप्ट करो. एंड फॉर दोस विद ओनली रेंटल इनकम, दिस टैक्स फ्री इनकम लिमिट प्राइजेस इवन फर्दर ₹2.10 लाख. तो अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या है, अगर आपकी रेंटल इनकम है, सिर्फ आपकी रेंटल इनकम है, तो उस केस में 10 लाख तक की अगर आपने रेंट से इनकम ली है तो आपके ऊपर जीरो लायबिलिटी बैठेगा न्यू टैक्स रिजाइम में. तो टू कंक्लूड, जो हमने इसके अंदर डिस्कस किया, अगर आपके सिर्फ रेंटल इनकम है तो आप 10 लाख तक का रेंट ले सकते हो और उसके ऊपर जीरो टैक्स लायबिलिटी है अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर चले जाते हो. और अगर आपकी 7.5 लाख तक की सैलरी से इनकम है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजाइम अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आप जीरो टैक्स लायबिलिटी आपकी बैठेगी. सैलरी के अंदर 7.5 लाख का अगर हम बात करें तो 50,000 के डिडक्शन है और 7 लाख तक के जो भी टैक्स बनता है 25,000 जैसे कि बनता है उसके आपको रिबेट मिल जाती है. और वहीं अगर हम रेंटल इनकम की बात करें, 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 10 लाख का 30% माइनस करके आपके पास जो रेंटल इनकम टैक्सेबल बची वो है 7 लाख. 7 लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स बना, जैसे कि हमने इस केस में बात की 25,000, उतने की आपको रिबेट मिल गए, तो उस केस में आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो निल हो जाती है. तो दिस इज ऑल फॉर दिस डे. आई होप कि जो भी आपकी क्वेरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी. इनकेस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हो. तो दिस इज ऑल फॉर दिस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.